एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोर इधर से भागा है यार, मेरे को फटाफट से पकड़ना होगा। कहाँ भाग के गया वो नालायक का बच्चा? ओए वेट, ओए आगे की तरफ है, आगे की तरफ, लेट्स को पकड़ते हैं उसे। मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, भाग लूंगा मैं यहाँ से, आ जाओ पीछा करो जरा मेरा। कहाँ गया वो? एक सेकंड, इधर घुसा। जल्दी, अबे किसी पुलिस वाले में इतना दम नहीं कि मेरे को पकड़ ले, निकल गया। अबे गाड़ी नहीं जा पा रही है। एक सेकंड, इधर से गया होगा ना भाई वो। वेट, इधर से। अबे कहाँ गया वो? हेलो, अरे इतनी जल्दी कैसे निकल गया वो? अबे मैं जस्ट उसके पीछे ही था भाई। अरे यार दिमाग खराब भाई, कहाँ गया वो? एक तो भाई इतनी पतली गलियां हैं कि लॉस सैंटोस में गाड़ी नहीं घुस पाती है वहां पे, इधर गाड़ी नहीं गई अपनी। यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अबे यार बहुत ज्यादा क्लोज था मैं, तुम लोगों ने खुद देखा भाई, बहुत ज्यादा क्लोज था उसे पकड़ने के। बहुत ही खतरनाक चोर है यार वो। काफी ज्यादा दिनों के बाद लॉस सैंटोस की पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला था, और आज भाई मैं बहुत ज्यादा क्लोज था उसे पकड़ने के, लेकिन अफसोस नहीं पकड़ पाया मैं उसे। एक सेकेंड, भाग के गया कहाँ होगा वो? जरा चेकआउट करते हैं कितनी दूर जा सकता है। यार बहुत दूर निकल गया होगा, उसकी बाइक बहुत ज्यादा तेज थी, और लॉस सैंटोस में इतनी हजारों गलियां भी तो हैं यार, किसी भी गली में घुस गया होगा वो। अबे यार बाइक होती ना भाई मेरे पास, मैं काफी आसानी से पकड़ लेता। ये पुलिस की कार है तो बड़ी फास्ट है तो बड़ी तगड़ी, लेकिन बाइक के भी अलग ही फायदे हैं गाइस। अगर मेरे पास पुलिस बाइक होती तो मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसका पीछा करता, और जिधर जिधर वो गया बिल्कुल उधर उधर जाके मैं उसको पकड़ लेता यार, बट नहीं पकड़ पाया मैं, मेरी किस्मत ख़राब है भाई। क्या ही करें अब, सीरियसली मैं कैसे निकल गया वो मेरे हाथ से, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, इस गली में घुस गया वो। कुछ करना पड़ेगा यार, मेरे को नहीं पता। पुलिस की गाड़ी तो देखो गाइस मेरे पास है यार, बढ़िया है, मेरी पुलिस की गाड़ी सबसे बेस्ट है, शिनचैन पिनचैन से भी बेस्ट है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि गाड़ी भाई सड़क पे पीछा कर सकती है किसी भी चोर का। अगर कोई चोर पतली गलियों में या फिर ऐसी जगह पे अपनी बाइक घुसेड़ दे जहाँ पर भाई पुलिस की गाड़ी पीछा ना कर पाए, तो फिर मैं उसका पीछा कैसे करूँगा, प्रॉब्लम ये आती है। इसलिए आई गेस मुझे भी पुलिस की बाइक लानी पड़ेगी यार, मुझे भी लॉस सैंटोस की पुलिस डिपार्टमेंट से एक बाइक के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मेरी किस्मत ही ख़राब है, और मेरी गाड़ी बढ़िया है लेकिन फिर भी चोर आज पकड़ में नहीं आया। तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है भाई वो कितना शातिर चोर था, काफ़ी दिनों से लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट उस चोर के पीछे पड़ा हुआ था, और आज बड़ी मुश्किल से किसी के हाथ आने वाला था वो, और वो बंदा हूँ मैं, मेरे हाथ आ सकता था वो बट निकल गया हाथ से सिर्फ उस गली की वजह से। आगे से भी घूम कर पकड़ने की कोशिश की लेकिन तब तक वो निकल गया यार, बाइक पे था, मेरी गाड़ी वहाँ गई ही नहीं। अबे यार क्या करूँ अब मैं, सीरियसली मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है मेरे को कुछ भी। आ गया मैं वापस घर पे, एक काम करता हूँ, लेकिन घर पे क्यों आया मैं? अबे यार पुलिस स्टेशन में डांट पड़ेगी पुलिस के हेड से, एक तो बड़ी मुश्किल से वो चोर हाथ में आने वाला था आज, लेकिन गलती मेरी नहीं है यार, गलती उनकी है। मैं जा रहा हूँ उनसे एक बाइक की रिक्वेस्ट करने के लिए, शिनचैन पिनचैन से पूछो क्या उन लोगों ने कोई बाइक वाइक के बारे में पूछा था कि नहीं, क्योंकि गाइस क्या पता मुझसे पहले वो लोग बाइक मांग चुके हों, और अगर उनको डांट पड़ चुकी हो कि बाइक मांगने के लिए, तो मैं नहीं जा रहा फिर बाइक मांगने, एक बार पूछ के देखता हूँ। हेलो भाई शिनचैन पिनचैन और चौप, कैसे हैं हाल चाल तुम लोगों के? अरे हाल चाल छोड़ो यार, हमारी ड्रेस का कुछ पता चला? अबे यार वो तुम लोगों का टेलर अभी तक नहीं आया भाई अपने विलेज से। भाई साहब यार कल यार कब आएगा वो? अरे हाँ यार कब आएगा वो? ये तो मैं नहीं बता सकता भाई, ये तो पुलिस के हेड को ही पता होगा कब आएगा वो गांव से। भाई उसके गांव में कुछ इमरजेंसी हो गई है यार, इसीलिए नहीं आ पा रहा है, वरना आते ही भाई तुम लोगों की ड्रेस सिल देगा, और फिर उसके बाद मस्त तुम लोग भी पुलिस ज्वाइन कर लेना। अरे ज्वाइन तो कब की कर लिया, बस ड्रेस चाहिए हमें। तुम लोगों ने भी तो अलग ही शर्त रख रखी है, बिना ड्रेस के पुलिस की नौकरी नहीं करोगे। अरे तो क्यों करे यार, जब तक ड्रेस नहीं होगी तब तक हमें पहचानेगा कौन पुलिस वाला है हम लोग। ठीक है ड्रेस बन जाएगी। ये बताओ तुम लोगों ने जैसे पुलिस की गाड़ी मांगी थी भाई पुलिस डिपार्टमेंट से, तो तुम लोगों को गाड़ी मिली? अरे गाड़ी कहाँ मिली थी, वो तो डब्बे वाली गाड़ी मिली थी। हाँ तो जो भी मिली हो भाई तुम लोगों को, गाड़ी तो मिली ना एंड में पुलिस की? अरे हाँ यार मिली उसके बाद से। उसके बाद क्या पूछना चाहते हो तुम? हाँ तो उसके बाद उस गाड़ी को तुम लोगों ने अपग्रेड किया, ठीक है? अरे किया यार किया उसके बाद। हाँ तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन से पुलिस डिपार्टमेंट से गाड़ी की मांग की, क्या तुम लोगों ने पुलिस के लिए बाइक की भी मांग की थी?
भाई यार क्या बकवास कर रहा है तू। वो एक ही पुलिस वाले को गाड़ी और बाइक थोड़ी ना देंगे, या तो बाइक देंगे या सिर्फ गाड़ी देंगे। तुझे बड़ा पता है, तू पुलिस वाला रह चुका है। नहीं बे। तो पुलिस वाला डॉग रह चुका है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मुंह बंद करके साइड में कोने में खड़ा रह चुपचाप। शिनचैन मिनचैन बताओ भाई तुम लोग। अरे नहीं यार, हमने मांगी तो नहीं है कभी बाइक, लेकिन आइडिया बढ़िया है यार, पुलिस वाली बाइक भी होनी चाहिए हमारे पास। ओ तो तुम लोगों ने मांगी नहीं है कभी भी। अरे कभी भी नहीं, बल्कि ये आइडिया ही नहीं आया हमारे दिमाग में। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस की बाइक मांगने के लिए। क्या बात करो यार, क्या लगता है मिलेगी कि नहीं? भाई मिलेगी यार, बिल्कुल मिलेगी। रीजन क्या है यार तुम्हारे पास बाइक के लिए? रीजन है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है। अरे क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है यार? रीजन ये है कि भाई मैं एक चोर को पकड़ने के लिए पीछा कर रहा था उस चोर का, और वो चोर एक पतली सी गली में घुस गया। अब उसको पकड़ने के चक्कर में मैंने गाड़ी घुसाई, मेरी गाड़ी अटक गई भाई, मेरी गाड़ी घुस ही नहीं पाई उस गली में। फिर मैंने दूसरी गली के एंड पे, मतलब उसी गली के दूसरे वाले एंड पे जाने की कोशिश की, तब तक वो चोर निकल चुका था। बा यार कलुए, वही तो भाई, इतनी फास्ट गाड़ी होने के बावजूद भी वो चोर मेरे से निकल गया। इसलिए मेरे को बाइक चाहिए थी, और वो चोर भी भाई कोई नॉर्मल चोर नहीं था, बहुत ही खतरनाक शातिर चोर था। अगर आज वो हाथ में आ जाता ना, शायद मेरे को प्रमोशन ज़रूर मिल जाता। लेकिन छोड़ो, मैं चला गया इस पुलिस डिपार्टमेंट से एक नई बाइक की मांग करने के लिए। यस गाइस, मेरे को नहीं पता, मेरे को बाइक चाहिए, मतलब पुलिस की गाड़ी भी चाहिए ही, और लेकिन इसके अलावा मेरे को एक एक्स्ट्रा बाइक भी चाहिए, ताकि मैं ऐसे चोरों को बाइक पे पकड़ सकूं। लेट्स गो, चलते हैं लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ। लेट्स गो गाइस, पुलिस स्टेशन पहुँचने वाला हूँ गाइस मैं जल्द ही, और अभी फटाफट से चल के एक पुलिस की स्पेशल बाइक की मांग रखते हैं। चलो भाई, ये देखो देखो भाई, पुलिस वालों को स्पेशल बाइक मिलती है, ये सब पुलिस की बाइक्स हैं। और आई गेस मुझे भी एक बाइक चाहिए। ओए मेरी हेडलाइट चालू है जब से, बंद करो सबसे पहले इसे तो। भाई क्या गाड़ी हम लोगों ने लास्ट टाइम अपग्रेड की थी भाई, शिनचैन पिनचैन से तो बढ़िया पुलिस की गाड़ी है मेरी। हाँ ये देखो भाई, ऐसी बाइक्स मिलती है पुलिस वालों को, अच्छी है ना बाइक। इससे भाई मैं चोरों का आसानी से पीछा कर सकता हूँ किसी भी पतली गली में। अब मान लो जैसे ये वाली गली है, अब इस वाली गली में मान लो चोर आ गया, गलती से भी मेरी गाड़ी एंटर नहीं कर पाएगी इधर। और ऐसे पुलिस की बाइक होगी मेरे पास तो ईजिली ऐसी पतली पतली गलियों में मैं आराम से निकल के और चोर का पीछा कर सकता हूँ। वरना मान लो चोर सामने से आया और इधर से निकल गया और मुझे उसको पकड़ना है, तो और अगर मैं गाड़ी पे हूँ तो मेरे को कितना लंबा चक्कर काटना पड़ेगा तुम लोग खुद देखो। चोर तो यहाँ से सीधा निकल जाएगा, लेकिन मेरी गाड़ी तो यहाँ से जाएगी नहीं, मेरे को इधर जाना पड़ेगा, यहाँ से फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर चेक करना पड़ेगा चोर इधर है कि नहीं, फिर इधर से इतना लंबा चक्कर काट के और फिर मैं यहाँ पर पहुँचूँगा। जब तक तो चोर भाई पता नहीं कहाँ पर पहुँच चुका होगा। और यही तो अभी मेरे संग सीन हुआ, वो चोर उसी वक्त घुसा और मेरी गाड़ी वहीं पर अटक गई, बस इसी में सारा टाइम वेस्ट हो गया। और इसीलिए गैस मुझे पुलिस की स्पेशल बाइक चाहिए। लेट्स गो, चलते हैं फटाफट। हेलो सर, पुलिस की बाइक दो मेरे को। और भाई साहब आज बहुत सारे लोग आए हैं कंप्लेंट के लिए, लगता है क्राइम रेट बढ़ गया है यार लॉस सैंटोस में। पता नहीं लॉस सैंटोस के पुलिस वाले, अरे ये तो मैं ही हूँ पुलिस वाला मतलब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर भी क्राइम रेट बढ़ गया है। हेलो सर। हेलो सर, मुझसे आपसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या हो गया? अरे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है सर। बोलो अब क्या हो गया? हाँ वैसे मैंने सुना कि तुम्हें वो जो सबसे शातिर चोर था उसकी लोकेशन के बारे में बताया गया, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? खुशखबरी है? सॉरी सर, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? सर एक्चुअली मैं वो चोर जस्ट मेरे सामने ही था। तो फिर तो पकड़ लिया होगा या फिर नहीं पकड़ा है? सर एक्चुअली मैं वो प्रॉब्लम क्या हुई कि वो चोर सर बहुत ही ज्यादा तेज था। तो तुम्हारी गाड़ी भी तो बहुत ज्यादा तेज है। नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से जो गाड़ी मिली थी वो तो काफी ज्यादा तेज थी, बट मैंने उसे अपग्रेड करके और तेज बना दिया। हाँ तो फिर तो पकड़ लिया वो चोर को। लेकिन सर, लेकिन वेकिन छोड़ो, पहले ये बताओ चोर पकड़ा गया या फिर नहीं? आंसर इज नो सर। क्या? हाँ सर। क्यों? अरे वो एक्चुअली में एक पतली सी गली थी, उसके अंदर वो चोर घुस गया। वो चोर एक्चुअली में बाइक पे था ना सर, तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकला और वो फिश करके घुस गया एक पतली सी गली में, और मैंने भी अपनी गाड़ी घुसानी चाहिए उस पतली सी गली में, लेकिन मेरी गाड़ी अटक गई सर। क्या? और तुम उस चोर को नहीं पकड़ पाए? नहीं सर, वो चोर निकल गया दूसरी तरफ से, जब तक मैं वहाँ तक पहुँचता वो पता नहीं कहाँ ही जा चुका था।
ओफो फ्रैंकलिन, बड़ी मुश्किलों से तो उसकी लोकेशन के बारे में पता चला था। बहुत खतरनाक चोर था वो, फिर निकल गया हाथ से। सर एक्चुअली मैम वो ऐसा होता नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती अगर मेरे पास पुलिस की बाइक होती तो। हाँ सर, पुलिस की बाइक होती तो तुम उसे पकड़ लेते। बिल्कुल सर, वो जैसी पतली गली में घुसा मैं भी उसके पीछे पीछे घुस जाता और उसका पीछा करके पकड़ लेता उसे। लेकिन वो बाइक पे था और मैं गाड़ी पे, मैं गाड़ी पतली गली के अंदर घुसा नहीं पाया, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो एक काम करो, पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें एक बाइक देता है। सच में सर? बहुत ही तगड़ी बाइक है। अरे वाह, सीरियसली मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कब मिलेगी बाइक सर? बस अभी मैं मंगवा देता हूँ, आधे घंटे वेट कर लो। अरे वाह, और तुम हमारे डिपार्टमेंट के पहले इंस्पेक्टर बनोगे जिसके पास एक पुलिस कार भी होगी और पुलिस बाइक भी। थैंक यू सर, थैंक यू, रियली वेरी थैंक यू। चलता हूँ मैं। वेट करो बाहर, आधे घंटे के अंदर तुम्हारी बाइक रेडी हो जाएगी। अरे वाह यार, बाइक आने वाली है मेरी भी। अब तो उस चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। उस चोर को क्या, किसी भी चोर को नहीं छोड़ूंगा भाई। अगर मान लो चोर गाड़ी से भाग रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसका पीछा करूंगा मेरी पुलिस कार से। और अगर कोई चोर बाइक से भागने की कोशिश कर रहा है तो उसका पीछा करूंगा मैं अपनी पुलिस बाइक से। सिंपल प्लान है गाइस। चलो मेरी बाइक मिल जाएगी थोड़ी देर के अंदर, देखते हैं कैसी बाइक मिलती है। अबे कब आएगी बाइक यार, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन। यस सर, बाइक आ गई क्या मेरी? तुम्हारी बाइक आ चुकी है। कहाँ पर है सर मेरी बाइक? बाहर जाओगे, पुलिस की बाइक से उसमें जो सबसे लास्ट में बाइक है वही तुम्हारी बाइक है। लेट्स गो भाई, फाइनली मिल चुकी है। लेकिन बाइक देखने से पहले फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। क्या हो गया सर? वो बाइक एक्चुअली में हमारे पास लास्ट बाइक थी। एक्चुअली में हमारे पास कोई पुलिस की बाइक बची ही नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया उस पुलिस की बाइक का, तो उसको संभाल कर रखना। ठीक है सर, ठीक है। और चोर को जरूर पकड़ना। बिल्कुल पकड़ूंगा सर, बिल्कुल पकड़ूंगा, उसकी टेंशन मत लो। चोर को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसी कोई बाइक होगी गाइस, बढ़िया बाइक है भाई ये सारी की सारी, एकदम फास्ट। तुम लोगों ने खुद देखा यार, मैंने चला के देखा, तो इसमें सबसे लास्ट वाली बाइक मेरी है। अबे ये क्या है बे, अबे ये क्या है सच में? ये तो डर्ट बाइक लग रही है पुलिस की बाइक से ज्यादा, और लिटरली मैं डर्ट में सनी हुई है ये बाइक। सर पक्का यही बाइक है जिसकी हेडलाइट भी नहीं है आगे? हाँ वही बाइक है। कैसी लगी बाइक? सर हेडलाइट के नाम पे आपने टॉर्च लगवा दी है। हाँ वो बाइक की हेडलाइट टूट गई थी इसलिए टॉर्च लगवा दी फ्रैंकलिन। बढ़िया लगी ना? अरे बढ़िया की क्या बात कहूँ सर, बहुत ही बढ़िया लगी। टॉर्च, पुलिस की बाइक पे टॉर्च, रात को चोर को पकड़ूंगा तो क्या ही रोशनी होगी यार इससे। सर बहुत ही बढ़िया बाइक है। आई एम ग्लैड फ्रैंकलिन कि तुम्हें ये बाइक पसंद आई। लेकिन गाइस मैं नहीं रुकने वाला इस बाइक तक, लिटरली में बहुत ही ज़्यादा बेकार बाइक है। एक बार तुम लोग साइड बाय साइड कंपैरिजन देखो, नॉर्मल पुलिस की बाइक और मेरी पुलिस की बाइक। तो वो लग रही है कि पुलिस की बाइक है, ये कहाँ से लग रही है भाई? उसकी हेडलाइट ज़रा देखो, एकदम तबाही वाली बड़ी बड़ी हेडलाइट, ऊपर से आगे की तरफ ये बुलेट प्रूफ शीशा भी है कि अगर कोई गोली चलाता है सामने वाला चोर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हेडलाइट तुम लोग देख ही रहे हो। फिर इसके अलावा इसके अंदर सायरन वायरन का भी सीन है, रेड एंड ब्लू कलर की ये देखो भाई लाइट्स वाइट्स जल रही हैं। बिल्कुल लग रहा है कि हाँ भाई पुलिस की बाइक आ रही है, बहुत ही तगड़ी वाली, बेहतरीन वाली। और ज़रा एक बार इसे तो देखो भाई, क्या ये इसकी लाइट चला के क्या लग रहा है? कहाँ से आ रही है कोई पुलिस की बाइक? कौन मानेगा इसे पुलिस की बाइक? नहीं नहीं अपग्रेड तो करना पड़ेगा गाइस, मैं नहीं टिकने वाला सिर्फ और सिर्फ इसी बाइक पे। फटाफट से चलते हैं और अपग्रेड करते हैं, स्पीड भी उतनी कुछ खास नहीं है। अरे मेरे से आगे तो पैदल वाले लोग निकल जाएं, इतनी तो तगड़ी स्पीड है इस बाइक की। अरे सीरियसली मैं, क्या स्पीड है भाई ये? अरे क्या ये स्पीड? वो बंदा लिटरली में देखो, गाड़ी वाला बंदा मेरे से आगे, अगर ये आगे निकल गया तो मैं अपग्रेड करूँगा, आगे निकल गया तो मैं अपग्रेड ज़रूर करूँगा। नहीं निकला मेरे से आगे वो भले ही कितना भी फास्ट हो गाइस, मेरे से आगे नहीं निकला। चल बेटा रेस लगाते हैं, आ जा लौंडे, आ जा रेस लगाते हैं। चलो गाइस चलो भाई, अरे चल भाई, ओके। अबे वो रेस जीत जा, अबे यार वो तो निकल गया आगे, कितनी स्लो है इसको यार, अपग्रेड करवाना बनता है। वो कितनी तेजी में निकल गया भाई, कितनी दूर। नहीं नहीं अपग्रेड करवाना बनता है गाइस, चलते हैं फटाफट से इसे अपग्रेड करवाने के लिए। लेकिन किसके पास जाऊँ? किसी ना किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा अपग्रेड करवाने के लिए। पीछे वाली लाइट देखो, ये लाइट ही बंद नहीं हो रही है, सब कुछ टूटा फूटा है इसका भाई, ये पीछे की लाइट ही बंद नहीं हो रही है। बंद हो जा, कोई बटन वटन है क्या? अब बंद हो गई है जाके भाई। अरे क्या, मैं जा रहा हूँ अपग्रेड करवाने।
मैं अपग्रेड करवाने जा ही रहा था गाइस, तभी इसकी जो बाइक है मतलब इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही तगड़ी हो चुकी है। एक बार तुम लोग इसकी स्पीड देखो, आई डोंट नो ये कैसे हुआ बट इसकी स्पीड भाई अचानक से बढ़ गई, इसलिए मैंने अपग्रेड का प्लान कैंसिल कर दिया है और फिलहाल इस बाइक को लेकर आ चुका हूँ भाई घर की तरफ। मैं नहीं करवा रहा भाई, देखो चोर को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, बाइक के अंदर तगड़ी सी स्पीड, इसलिए लेकर आ चुका हूँ। हेलो भाई शिनचैन पिनचैन, बाइक देखोगे मेरी? अरे बाइक मिल गई तुम्हें, और क्या वो भी पुलिस की बाइक, जरा देखो तो सही से गौर से। हाँ भाई जलन मच रही है मेरे से अब। अरे जलन क्यों मचेगी, कैसी फालतू की बाइक लेकर आ गए? बाइक भले ही फालतू की हो लेकिन स्पीड बहुत तगड़ी है भाई। अरे स्पीड से क्या हो गया, स्पीड तो नॉर्मल बाइक्स की भी बहुत तेज होती है लेकिन पुलिस वाली बाइक लगनी भी तो चाहिए, ये कहाँ से लग रही है? अबे है ब्लैक एंड व्हाइट दिख नहीं रही तुझे? अच्छा इसमें जरा हेडलाइट जलाना तो हो। ये रही भाई हेडलाइट। अरे यार हेडलाइट के नाम पे टॉर्च, भाई साहब यार कर लिया ये तो गलत बात है, हेडलाइट के नाम पे टॉर्च है। अरे आंखों में टॉर्च क्यों मार रहे हो? ओए पिंचन उधर मुंह कर ले, आंखों में टॉर्च क्यों मार रहे हो? अरे इस पे तो लाल और नीला कुछ जल भी नहीं रहा है, ये क्या ही बाइक है यार, ये तो बेइज्जती मार रहे हैं। मैंने फिर से मूड चेंज कर दिया है गाइस। अरे जाओ जाओ किसी डर्ट बाइक में रेस लगाओ, इससे पुलिस की बाइक तो बिल्कुल भी कहना भी मत इसे। मैंने फिर से मूड चेंज कर दिया है, मैं फिर से अपग्रेड करवाने वाला हूँ, इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी अपग्रेड करवाएगा। मैंने सोचा गाइस इसकी स्पीड बढ़िया हो गई है तो छोड़ो अपग्रेड करवाना, बट करवाते ही हैं भाई, बात तो इनकी सही है, ये तो लिटरली में एक डर्ट बाइक लग रही है, नॉर्मल सी, ना कि कोई पुलिस बाइक। तो भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से पता किया कि सबसे बेस्ट इधर भाई अब बाइक मैकेनिक का है, तो सबसे ज़्यादा तारीफ की लोगों ने भाई इस डेजर्ट वाले मैकेनिक की, इसलिए मैं आ चुका हूँ अपनी बाइक को लेकर इस डेजर्ट वाले मैकेनिक की तरफ। कहाँ भाई इस मैकेनिक की दुकान? ओके ऑटो रिपेयर्स, ओ यहाँ पर है, चलो देखते हैं कैसा रिपेयर करता है ये बंदा। वो रहा भाई वो रहा, हेलो ब्रो इस वाली बाइक को रिपेयर करवाना है ब्रो। रिपेयर लो कर दिया। अरे सिर्फ रिपेयर? यार इसने तो सिर्फ रिपेयर कर दिया, रिपेयर नहीं ब्रो, पहले मेरी बात तो सुन। क्या ब्रो? इसको भाई पूरा का पूरा चेंज करना है। चेंज करना है मतलब? मतलब तुझे मेरी ड्रेस से क्या लग रहा है, मैं क्या हूँ? तुम्हारी ड्रेस से कुछ भी नहीं लग रहे। ओए पुलिस वाला हूँ मैं। अच्छा वो हेलमेट पहन रखा है ना, शक्ल नहीं दिख रही। शक्ल से पहचानते हैं तू पुलिस वाले? मतलब हाँ ड्रेस से तो पुलिस वाले लग रहे हो, बोलो ना काम क्या है? काम मेरे को ये है कि भाई इसे तुझे पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना है इस बाइक को, ऐसी बाइक के अंदर जिसको देख के लगे कि हाँ भाई पुलिस वाले की बाइक है ये। हो जाएगा टेंशन ना लो, पक्का देख ले। हो जाएगा ठीक है, बाइक यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं। कितनी देर में हो जाएगा भाई ये? हो जाएगा कम से कम आधा घंटा लगेगा। ठीक है फटाफट कर, ये ले भाई मेरी बाइक। चलो गाइस आधे घंटे वेट करते हैं और देखते हैं भाई कैसा ट्रांसफॉर्म करता है ये मेरी बाइक को। ये लो सर आपकी बाइक पूरी चेंज कर दी मैंने। ओह नाइस भाई, यस लिटरली में गाइस बाइक तो इसने पूरी बदल डाली है, अभी कहीं से भी डर्ट बाइक नहीं लग रही है, बट अभी एक स्पोर्ट्स बाइक नहीं लग रही। हाँ तो क्या हो गया, स्पोर्ट्स बाइक दिख रही है तो क्या हो गया? अब एटलीस्ट ये डर्ट बाइक तो नहीं लग रही, बट फिर भी गाइस स्पीड, ओह स्पीड तो इसने इंक्रीज कर दिया भाई, पहले से तगड़ी कर दी इसने स्पीड। और अब भाई साहब क्या ही इजीली अब मैं गाड़ियों को पीछे छोड़ पा रहा हूँ, ये देख रहे हो तुम लोग कितनी आराम से ट्रैफिक के बीच में से मैं बाइक लेके निकल सकता हूँ, और अगर जो चोर है वो फुल स्पीड में निकलेगा तो अब मैं भी उसको फुल स्पीड में पकड़ सकता हूँ। गाइस देखो अब जैसे सामने से दो गाड़ियाँ हैं, इन दोनों गाड़ियों के बीच में से अब मैं निकल सकता हूँ बाइक को लेके, और अगर गाड़ी होती तो निकलने का वेट करो, ट्रैफिक ऐसे ही कहीं पर अब लगेगा तो अब मेरे को ट्रैफिक के बीच में से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना पहले पुलिस की गाड़ी से पीछा करता था तो ट्रैफिक में निकलने में भी दिक्कत होती थी। बट आई गेस गाइस एक और बंदे से आई गेस इसे कस्टमाइज करवाना चाहिए, जो इसको पूरा लुक दे दे कि हाँ भाई यस ये पुलिस की ही बाइक है, और ऐसे बंदे के बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, मिल जाएगा एक ऐसा बंदा जिसको पूरा एक बढ़िया वाला शेप दे दे, जिसको देखकर कोई भी कहे कि हाँ भाई पुलिस की ही बाइक है और किसकी बाइक लग रही है। तो ऐसा मैकेनिक ढूंढते हैं गाइस जो इस बाइक को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर सके पुलिस की बाइक के अंदर। निकलते हैं फटाफट से लॉस सैंटोस, आई गेस लॉस सैंटोस में ही ऐसा बंदा मिलेगा, और कहाँ मिलेगा।
चलते हैं लॉस सैंटोस, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से डायरेक्टली लॉस सैंटोस पहुँचने के बाद। इसके अंदर देखो भाई, पहले तो पुलिस वाली लाइट्स लगवानी है, फिर इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करना है सुपर बाइक के अंदर, और इसकी स्पीड थोड़ी और इंक्रीज करवानी है। मैं ऐसी स्पीड चाहता हूँ भाई कि चोर कितनी भी तगड़ी बाइक लेके आ जाए, मेड से ना निकल पाया भाई वो। ओके, तो बीच पर आया हूँ मैं, और तुम लोग लग रहा होगा गाइस कि मैं घूमने के लिए आया हूँ बीच पर, बट बिल्कुल भी नहीं। बीच पर है एक मैकेनिक जिसके बारे में मैंने पता किया भाई माइकल से। तुम लोगों को पता ही है माइकल का खुद का शोरूम है और वो गाड़ियाँ वगैरह बेचता है। तो मैंने उससे पूछा कि ब्रो भाई तू बाइक तो रखता ही होगा, तो वो कह रहा हाँ। तो मैंने कहा भाई बाइक रिपेयर किससे करवाता है, तो उसने एक बंदे के बारे में बताया, और वो बंदे एक्चुअली में इधर ही है, इधर ही वो बाइक वगैरह रिपेयर करता है। उसने बोला था इधर ही चले जाना, दिख जाएगा रिपेयर करते हुए, बट मेरे को तो कोई भी नहीं दिख रहा है भाई रिपेयर करता हुआ बाइक वाइक कोई। एग्जैक्टली इसी लोकेशन पर बोला था उसने। कहाँ, ओए वेट, इधर बाइक्स हैं काफ़ी सारी। हेलो सर, ओए है, मिल गया। हेलो भाई, हेलो, ओ बाइक वाले भाई, अरे गिर गई एक तो मेरी बाइक। हर सर बोलिए क्या हो गया भाई, ये मेरी बाइक देख रहा है तू? अरे सर आप तो पुलिस वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पुलिस की बाइक कहाँ है? हाँ भाई वही तो दिक्कत है, इसको तुझे भाई एक पुलिस की बाइक के अंदर फुल्ली ट्रांसफॉर्म करना है, जिसके अंदर रेड ब्लू लाइट्स वगैरह भी हो, और जो एकदम देखकर लगे कि पुलिस की बाइक है, थोड़ी स्टाइलिश भी हो, नॉर्मल पुलिस बाइक से अलग भी हो, थोड़ी सुपर बाइक की तरह भी लगे, और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी बहुत ही तगड़ी हो, टायर स्मोक भी बहुत ही बढ़िया वाला आता हो उसमें से। समझ गया तू? क्या क्या बोल दिया सर आपने? समझ गया कि नहीं तू? समझ तो गया मैं, सब कुछ कर दूंगा, आपको पसंद तो आएगी ना भाई? हाँ हाँ पसंद आ जाएगी भाई। खर्चा सर? खर्चा कितना? 50 लाख का बैठेगा। 50 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। ओके सर, 2 घंटे रुक जाइए आप बस। 2 घंटे लगेंगे ब्रो? वो तो लगेंगे सर, आपने इतनी सारी डिमांड जो की है। ठीक है फटाफट से काम शुरू कर तू। बाकी यहाँ पर एक टैटू की दुकान है भाई, टैटू बनवा लूँ क्या मैं? या फिर छोड़ो, क्या ही टैटू बनवाए, 2 घंटे वेट करते हैं, इधर ही बीच पे चिल करते हैं हम लोग जरा। तब तक तुम लोग जाओ गाइस, वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। 2 घंटे वैसे हो गए हैं, चले क्या भाई, देखते हैं क्या होता है। ओ यहाँ पर भी एक टैटू की दुकान है भाई, लॉस सैंटोस में लोग काफ़ी सारे टैटू करवा रहे हैं, क्या बात है। अबे ये तो शांति से बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, टैटू तो नहीं को बना रहा कोई, मेरे को लगा कोई टैटू वैटू बना रहा होगा यार। कहाँ पर है, ओ ये रही दुकान। ओ वेट, लगता है उसने बाइक कस्टमाइज कर दी है। सर हो गई है कस्टमाइज, मैं बस आपको बुलाने ही वाला था। अरे वाह भाई, फ्रंट तो दे, ओ फ्रंट की LED है, ओ टायर स्मोक देखो। यही नहीं सर, लाइट तो जलाओ। ओ भाई साहब लाइट्स देखो इसकी। अरे वाह, रात को ही अलग ही दिखेगी सर। अरे भाई पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने एकदम जो जो मैंने बोला था वैसी बाइक को फुल्ली कस्टमाइज किया। इसका फ्रंट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, और ये लाइट्स लगाई है भाई तूने। यस सर, पुलिस की बाइक का लुक है इसलिए। उतनी कुछ खास नहीं लग रही है लाइट्स। सर रात का तो वेट करो एक बार। ठीक है सर, रात हो चुकी है और अब अपनी बाइक देखो आप। ओ भाई साहब रात, अब है गिर गई ये, रात को तो कुछ अलग ही लग रही है यार। ओ भाई एक सेकेंड, इसके हेडलाइट और जरा ब्राइट करूँ, एक सेकेंड, ये ओहो, ओ तेरी क्या तगड़ी लग रही है भाई। यस पूरा फील आ रहा है भाई अब पुलिस का भाई, शिनचैन पिनचैन इसको देख के पूरा एकदम किलस जाने वाले हैं यार। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो मेरी बाइक है, जो अभी कुछ देर पहले एकदम कबाड़े जैसी और डर्ट बाइक लग रही थी, वो इतनी तगड़ी पुलिस की बाइक में अपग्रेड हो जाने वाली है। और सीरियसली मैं भाई क्या अपग्रेड हुई है, इस अपग्रेड को देख के तो भाई मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया यार, थैंक यू ब्रो। सर 50 लाख? अरे अभी देता हूँ तेरे 50 लाख यार, तू भी क्या बात कर रहा है, इतना बढ़िया काम किया, 50 लाख तो तेरे बनते हैं, खुश भाई खुश। थैंक यू सर। ओ भाई साहब पूरा पुलिस वाला फील आ रहा है, स्पेशली इसका फ्रंट तुम लोग देखो एक बार, तो हेडलाइट देखो ब्लू ब्लू कलर की, साथ में उसके साथ ही साथ अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये व्हाइट कलर की एक LED स्ट्रिप है, ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मजा आ गया यार, मेरी नई नवेली पुलिस की बाइक लेकर तो मजा ही आ गया, अब तो चोर किधर भी घुसे आराम से पकड़ लूंगा मैं, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और एक तो इस बाइक की स्पीड उसने इतनी तगड़ी कर दी है,
कि नॉर्मली किसी भी बाइक का पीछा कर सकता हूँ, जैसे कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ओए बंदे डर डर मेरे से, इससे ठोकता हूँ देखना, ये डर के बहुत तेज भगाएगा गाड़ी को अपनी। भगाना ओए चलना तेज भगाना अपनी गाड़ी, तेज क्यों नहीं भगा रहा ये। ओके उस बंदे ने देखो गाइस अपनी बाइक को फुल स्पीड में तेज भगा लिया है, और कितनी ईजिली मैंने पकड़ लिया इसे। अबे लौंडे मेरे से बच के कहाँ जाएगा तू, बहुत ही आसान हो गया भाई। फिलहाल तो गाइस अभी मैं घर पहुंचने वाला हूं, और तुम लोगों को मेरी पुलिस की ये बाइक कैसी लग रही है भाई, अभी के अभी जाकर कमेंट में बताओ यार। यस गाइस ये बताओ भाई, पहले वाली डर्ट बाइक बढ़िया लग रही थी या फिर ये वाली? डर्ट बाइक तो मेरे को पता भाई कोई नहीं लिखने वाला, वो कैसी लग रही थी भाई, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था पुलिस की बाइक, और ये लग रही है एकदम तगड़ी पुलिस की सुपर बाइक। लेट्स गो शिनचैन पिनचैन और चौप को चौंका देते हैं अभी। हेलो भाई शिनचैन पिनचैन चौप, जरा बाहर आना, पुलिस की अपनी बाइक लेके आ चुका हूँ मैं। क्या बकवास कर रहे यार, हाँ जरा आओ तो सही। है भाई साहब यार कलुआ ये क्या है? अरे यार ये तो सच में ही खतरनाक लग रही है। क्यों चौंक गया ना भाई इतनी तगड़ी बाइक देख के? अरे ये तो सच में ही लग रहा है यार किसी के घर पे पुलिस आई है। है दूर से ही दिख रही है भाई ये वाली बाइक, लिटरली मैं गाइस दूर से ही। यार कलुआ भाई ये बाइक जरा मेरे को चलाने दे। अरे चल पुलिस की बाइक है ऐसे कैसे चलाने दू। अरे यार हमें भी चाहिए पुलिस की बाइक। मैं क्या करूँ, चाहिए तो भाई मैंने तो ले ली, अब उनके पास नहीं है कोई बाइक। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। और अगर तुम लोगों ने पूरी की पूरी पुलिस सीरीज को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, तुम लोग सारे एपिसोड देख सकते हो भाई, कैसे मैं पुलिस बना, शिनचैन पिनचैन कैसे पुलिस बने, ये गाड़ी उनके पास कहाँ से आई, मेरे पास ये बाइक कैसे आई, ये तो फिलहाल तुम लोगों ने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।